आजा सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजा सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झूठ और फरेब की राजनीति के चक्कर में हो गई मनोज यादव की दुर्गति। खैर तो खैर, अब अपने भी कन्नी काटने लगे हैं बरही के दबंग नेता से। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए विधायक महोदय। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। आज हम चर्चा कर रहे हैं बरही से कांग्रेस विधायक मनोज यादव की, जिन पर ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है कि चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बनकर लौट गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उनकी ये स्थिति हो गई है कि गैर तो गैर, अब अपने भी उनसे किनारा काटने लगे हैं। कहां तो उन्होंने चतरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचने और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होकर राष्ट्रीय छवि बनाने का सपना देखा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी इतनी बुरी हार हुई कि अब विधायकी के टिकट के भी लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। मनोज यादव आज झारखंड की राजनीति में हाशिए पर दिख रहे हैं। मनोज यादव की इस हार और उनकी राजनीतिक दुर्दशा पर नजर डाल रहे हैं हमारे राज्य समन्वय संपादक दिपेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी ऐसी आई कि अच्छे अच्छे धूल चाट गए। इसी आंधी में उड़ने वाले एक तिनके का नाम मनोज यादव भी है। वो बरही से कांग्रेस के विधायक भी हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उन्हें चतरा से अपना प्रत्याशी बनाया था, पर मोदी की आंधी में उनकी ऐसी दुर्गति हुई कि वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में बुरी तरह परास्त हो गए। अपने विधानसभा क्षेत्र बरही में भी वो हजारीबाग से पार्टी प्रत्याशी की इज्जत नहीं बचा सके। हालांकि किसी प्रकार कुल 1.5 लाख वोट लेकर वो अपनी जमानत तो बचाने में सफल रहे, पर गांव से लेकर चौराहे तक होने वाली किरकिरी से नहीं बच सके। पार्टी में भी उनकी खूब फजीहत हो गई। लोकसभा चुनाव में उन्हें मात्र 1.5 लाख मत मिले, जो कि कुल मतों के मात्र 16% ही रहा। वहीं विजेता सुनील सिंह को 5,28,077 वोट मिले। चुनावी रणनीति में फिसड्डी साबित हुए। लोकसभा चुनाव में चतरा सीट पर बने समीकरण पर यदि गौर किया जाए तो मनोज यादव के लिए राह बहुत मुश्किल नहीं थी। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी सुनील सिंह से लोग खासे नाराज थे। स्थिति ये थी कि सुनील सिंह जहां भी वोट मांगने गए वहां उनके मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे नाराज थे। यहां तक कि सीएम के सामने भी उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। ऐसे में विपक्ष का कोई भी माहिर खिलाड़ी हालात को आसानी से अपने पक्ष में कर सकता था। इतना ही नहीं, बीच में राजद ने सुभाष यादव के रूप में अपना उम्मीदवार देकर यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बना दी थी। उधर भाजपा के बागी राजेंद्र साहू ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आकर मुकाबले को एक और कोण दे दिया। राजेंद्र साहू की उम्मीदवारी से भाजपा के मतों में बिखराव की आशंका भी उत्पन्न हो गई थी। तात्पर्य ये कि हालात पूरी तरह से मनोज यादव के पक्ष में थे। बावजूद इसके इतनी बुरी हार उनके रणनीतिक कौशल के फिसड्डी होने का इशारा करती है। साथ ही ये भी बताती है कि जनता उनसे किस कदर नाराज है। जनता की ये नाराजगी ही उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट से भी वंचित कर सकती है। झूठ और फरेब की राजनीति में नहीं फंसी जनता। दरअसल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान मनोज यादव की पूरी राजनीति ही झूठ और फरेब पर आधारित रही, जिसे जनता भली भांति समझ रही थी। नामांकन के बाद से ही मनोज यादव के समर्थक सोशल मीडिया के जरिए अनर्गल बयानबाजी और प्रचार करते रहे। कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई गईं। कभी कहा गया कि लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव मनोज यादव को समर्थन दे रहे हैं। कभी कहा गया कि तेजस्वी यादव मनोज यादव के पक्ष में प्रचार करने आ रहे हैं। बाद में ये सभी बातें महज अफवाह साबित हुई। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया के जरिए ये दुष्प्रचार फैलाया गया कि राजद प्रत्याशी सुभाष यादव कांग्रेस और इसके प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में चुनाव से हट गए हैं और उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। ये दुष्प्रचार इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि सुभाष यादव को मतदान केंद्रों पर जाकर जनता के बीच सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं है।
इतना ही नहीं, उन्होंने इस दुष्प्रचार के खिलाफ चतरा एसपी के पास शिकायत भी दर्ज कराई। इससे जनता के बीच कांग्रेस प्रत्याशी मनोज यादव और उनकी झूठ फरेब की राजनीति की पोल खुल गई। नतीजा हुआ कि जनता की और नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। जनता ने वोट के जरिए अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर दी। त्रस्त जनता ने निकाली भड़ास। मनोज यादव की राजनीति के बैकग्राउंड में जाएं तो सिर्फ चुनावी तिकड़म ही उनकी हार का कारण नहीं बना है, बल्कि उनकी गतिविधियों से त्रस्त जनता ने अपनी भड़ास भी निकाली है। कहा जाता है कि मनोज यादव ने अब तक सिर्फ और सिर्फ भाई की राजनीति ही की है। क्षेत्र के जंगलों पर अपना एक अधिकार है, खदान इनके इशारे पर चलते हैं, हाईवे के टोल प्लाजा पर भी उनका नियंत्रण है। हर जगह भाई की राजनीति कर उन्होंने अपना नियंत्रण कर रखा है। इतना ही नहीं, विधानसभा को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में वो पीछे नहीं रहे। यहाँ भी पद का प्रभाव का इस्तेमाल अपने हित में करते रहे। 2005 में एक शराब माफिया को मदद करने का आरोप उन पर लगा था। पहले तो शोरगुल कर मामले को सदन में उठाया गया, फिर मामले की जांच के लिए समिति भी बनी और जब समिति की रिपोर्ट पेश होनी थी तब वो सदन में अनुपस्थित रहे, जिससे मामला आगे नहीं बढ़ सका। जनता इन सब बातों से नाराज और त्रस्त थी। लोकसभा चुनाव में जनता ने अपनी भड़ास निकाली और भाई की राजनीति करने वाले मनोज यादव बिखर गए। विकास के मामले में पिछड़ा बरही। मनोज यादव का अपना विधानसभा क्षेत्र बरही आज विकास के मामले में काफी पीछे नजर आता है। दो हाईवे NH2 और 33 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हजारीबाग बरही 4 लेन का काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में बरही में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उनका नाम लिया जा सके। यहाँ जंगल कटते जा रहे हैं, पत्थरों का बेतहाशा खनन हो रहा है, क्षेत्र में क्रशरों की बाढ़ आ गई है, पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं, जंगल के जंगल कट गए, सड़कें बदहाल हैं, बिजली पानी को लेकर लोग त्रस्त हैं। दिलचस्प बात यह है कि मनोज यादव को इससे कोई सरोकार तक नहीं है। लोगों को ये भी याद नहीं कि कभी उनकी समस्याओं को लेकर विधायक ने कोई आवाज उठाई हो या आंदोलन किया हो। जबकि वो विपक्ष में थे, उनसे तो जन समस्याओं को लेकर आवाज उठाने की उम्मीद की ही जा सकती थी। उल्टे स्थिति ये थी कि जन समस्याओं को लेकर विधायक के खिलाफ मुंह खोलने तक की हिम्मत किसी आम आदमी में नहीं थी। लोगों में ये भय था कि मुंह खोल ले तो शामत आ जाएगी। राजनीति में पड़े अलग थलग। एक समय था जब झारखंड की राजनीति में मनोज यादव का कोई विकल्प नहीं था। आज स्थिति यह है कि वो ठौर तलाशते चल रहे हैं। एक जमाने में उनके पीछे भीड़ चलती थी, उनकी आवाज विधानसभा के अंदर भी बड़े खौर से सुनी जाती थी। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता उनकी बातों को वजन देते थे, उनके तेवर से विरोधी तो क्या, उनकी पार्टी के लोग भी थर्राते थे। आज वही आक्रामक मनोज यादव झारखंड की राजनीति में अलग थलग पड़ गए। कहा जा रहा है कि वो राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए हैं। भीड़ से घिरे रहने वाले मनोज यादव के पास गिनती के चंद समर्थक ही दिखते हैं। उनके नजदीकी जो राजधानी में उनकी खमान संभालते थे वे भी पार्टी से किनारा कर गए हैं। पहले ही अपनी दबंग छवि के कारण पार्टी में कईयों से वो दुश्मनी मोल ले चुके हैं। इस हार के बाद अब वो उनके निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के लिए आज वो बेमोल या कहें तो असहनीय हो गए हैं। ऐसे में जाहिर है कि वो किसी और दरवाजे की ओर देख सकते हैं, पर ये भी उनके लिए आसान नहीं होगा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।